गजानन गणपति गणराज गज लंबोदर जितने और बैठे यहां समझ कर ये कर जोर कर बिनती सभी से अब मेरी नमस्ते के दरबार में नमन करते हुए और जितने भी यहां बोल खाड़ी बारे बाबा की जितने भी यहां रसिया प्रेमी पधारे हैं बड़ी दूर दूर से चल करके आप हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को सुनने के लिए आते हैं केवल ज्यादा कुछ न कहते हुए
हर रसिया दंगल की भांति आप लोग स्वयं परिचित है दोनों पार्टियों से। प्रथम नंबर है आटे वालों का, तो आप लोगों को केवल पूरी रात्रि भर एक बात देखनी है, क्या कि आटे वाले क्या कहेंगे और उसका ये बैरंग खड़े वाले क्या जवाब लेकर के आएंगे, और उधर से वो हमसे क्या पूछेंगे, उनका हम क्या जवाब देंगे, और जो भी जीत हार का फैसला होगा वो आज जनता के चरणों की सौगंध हम दोनों कलाकारों को सुबह मान्य होगा। तो पहले नंबर की शुरुआत आटे वालों की तरफ से आप सुनेंगे, 45 मिनट का टाइम है, नोट करो। मीर शर्मा जी, एक महाभारत से छंद आ रहा है आपके लिए, और जो मैं आज छंद में मजबून गाऊंगा वो मजबून आज तक किसी रसिया वाले ने गाया भी नहीं है। राजू भैया जी सुनिए छंद। अरे अरे सो गलती तू कर चुका, हाँ जी, अरे बचन दियो है, हे इधर को दे, देखो देखो, अरे बचन दियो है और मैंने पुआ को, ओ समझ में आएगो मैं कहां से गा रहा हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे ही शिशुपाल से, अरे बचन दिया है और मैंने पुआ को, जो खास वो तेरी अम्मा है, जो खास वो तेरी अम्मा है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, गाना हमारी तरफ से हो या भैया की तरफ से, अगर आपकी समझ में आता जाए तो कलाकार का उत्साह बढ़ाने के लिए आप तालियां जरूर बजाते चले जाएं भैया। अरे खास वो तेरी अम्मा है, अरे खास वो तेरी अम्मा है, अरे 100 गलती पे तेरा और मैं ढीलो करूं
हाजी शर्मा जी, मेरे काफियाओं में तीन तीन काफिया पड़े हुए हैं। पहला काफिया है कर अंतर हूं, और दूसरा काफिया है खर संत कहूं, ये दूसरा काफिया। अब तीसरी बात है सुनिए। अरे पद्मी जो और तेरा कर दूंगे, अरे पद्मी जो और तेरा कर दूंगे, और मैं तो सीना ही कहूंगे, और मैं तो सीना ही कहूंगे। और मैं कह भैया हाथ उठाए के बोले भैया मेरे संग में, अरे तो सीना ही कहूंगे, अरे चक्र सुधर सन से पल भर में, और मैं तेरा सीसो कहूंगे, अरे मुंह पे चले न तेरी दहाड़, और अब के मैं दूंगो कहते तक फटो बुखार कर। चल रहा है, अगर आप सबकी इजाजत हो जाए तो भैया को एक टुकड़ा दे दूं। भैया बिल्कुल दो, और दोनों बजाएंगे। मास्टर साहब जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। मुकेश की अदा है सदा से, क्या दोनों गाएगा तो कुछ हटके गाएगा और रसिया वालों के। अलवेली राजू लाला जी, फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं, अरे जब आती होगी, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचल होगा, जब आती होगी याद तेरी, और तेरा दिल तो चलेगा होगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरी धुन आपकी समझ में आ जाए तो केवल बच्चे को तालियों से प्यार देंगे। अरे जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा, तू भी तो मुझसे मिलने को, तू भी तो मुझसे मिलने को, दिन रात तरसता चार लाइन मैं उनके लिए दे रहा हूं, क्योंकि पहला पहला नंबर है। खाली बारे बाबा से खाली रा
की पीड़ा हरते ही बाबा के सहारे रहते ही वो मौज हमेशा बाबा के सहारे रहते हैं वो मौज हमेशा लेते हैं। सुन ले गरबल बाबा के सहारे रहते ही वो मौज हमेशा करते हैं जो आशा लेकर आते ही मेरे बाबा झोली भरते हैं जो आशा लेकर आते हैं मेरे बाबा झोली भरते हैं मेरे बाबा झोली भरते ही यह भक्त प्यार से आते ही अरे दुष्ट आने से बना रखे भैया बैठ जाओ आराम से मासे मासा तो मजाओ बेटी कातर है भैया कातर बैठ जाओ जा, सभी वक्त बैठ जाओ भैया भक्त बैठ जाओ भैया अल्लाह गुल्ला न करे सभी बैठ जाओ कोई बात नहीं जब आती होगी याद मेरी तेरा दिल तो चलेता हो। हाँ भैया मेरा आप लोगों से निवेदन है यथा स्थान बैठने की आप कृपा करें। अरे इधर कंस आया तभी भाई साहब बैठ जाओ वहां जेल में प्यार अरे कंस से बोली देवकी
फेवकी कह रही है अरे अब छाती होगी सुनना टुकड़ा ना कोई बदतमीजी बिल्कुल साफ स्वच्छ और आपको बढ़िया लगेगा और आप स्वयं तालियां बजाओगे लाला जी अरे अब छाती होगी अरे अब छाती होगी अब छाती होगी चौड़ी मेरी क्यों क्योंकि लाल चल बात खाता होगा अब छाती होगी चौड़ी मेरी लाल चल बात खाता होगा और ओमीर शर्मा तालियां देख लेना अच्छी बात की अरे लाल जलवा दिखाता होगा तेरा बद करने के लिए वो तेरा बद करने के लिए वो श्याम मथुरा में आता होगा पद करने के लिए वो तेरा पद कर देखिए ये पुरस्कार आ रहे हैं और ये टुकड़े पर खुश होकर के 500 रुपए का पुरस्कार नरेश यादव जी जिनावली कटेलिया वालों की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करेंगे कहना है जब छाती होगी चौड़ी मेरी अरे लाल जल बात खाता हो और भैया इधर आ रहे हो लाल जल बात खाता होगा और हे भैया कंग अरे तेरा बध करने के लिए वो श्याम मथुरा संदेश लाता हो और अरे तेरा बध करने के लिए पूरे तेरा बध करने के लिए पो श्याम पूछूंगा
बोला मेरा टुकड़ा समझ में आया भैया, ठीक है ये देखेंगे कि क्या भैया जवाब लेकर के आएंगे। हाँ जी अरे आशा है कि तू गलती न करेगा, सन को तो देखो एक बार ही पाई है, सन को तो एक बार ही पाई है। अरे ऐसे लिख दयो छंद करारो और बाबू सर माने लिखे करो और देखेंगे मास्टर साहब बंसी बारे ते लाया ये दोनों। भैया क्या गलत है भैया, न मैं तुमसे कोई बदतमीजी बोल रहा हूँ ना बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ स्वच्छ नंबर गा रहा हूँ और बिल्कुल लेन से गा रहा हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल अब सुनो रसिया,
चुल्लू भरे पानी में तू मर जा, अरे चुल्लू भरे पानी में तू मर जा, मिलो न कुआ। जगह जगह पर तेरा ही डूबत भाई देखे मैंने।
चली जाएगी, तू मायके चली जाएगी, याद है तू मायके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, तुम डंडा लेकर के चली जाऊंगी, तू देखता रहियो। अब गीत को सुने भैया, शांति दे बाबा, आराम से बैठो। अरे सतयुग से, सतयुग से कलयुग तलक, और जामे कहा करे वो भगो, अरे एक करे नाचे सभी, जामे कहा करे भगवा। अब सुनना भैया मेरे गीत की हेडिंग क्या है, अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी, अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी, अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी, और द्वापर में ऊ बाजी, अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी, अरे द्वापर में बाजी, और मैं का आनंद आ जाए तो जोर जाओ तालियां, द्वापर में ऊ बाजी, जे भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबा जी, अब सतयुग में कौन से बाबा जी भाजे भाजे डोल रहे बाबू जी, हाजी ये 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बबलू ठाकुर साहब जनाबली वालों की तरफ से, ये 500 रुपए का पुरस्कार दिया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। और ये 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया जी की तरफ से आए हैं, यतेंद्र सिंह जी की तरफ से बार बार धन्यवाद है। कहना है अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी, देखिए ये क्षेत्र बहुत समझदार क्षेत्र है, और आप समझना, समझने के बाद में जब जवाब सुनना भैया की तरफ से सुनना, अरे सत्य बाबाजी त्रेता बाजी, और द्वापर में ऊ बाजी, द्वापर में ऊ बाजी, और हाथ उठा के फिर बोलियो, अरे भाजे 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 डोले रहे जे कलयुग में बाबा जी, भाजे भाजे डोले रहे कलयुग में बाबा जी। हाँ जी, अब सतयुग में कौन से बाबा जी, भैया जी सतयुग की बात सुनिए, सतयुग में शुक्राचार्य ने, सतयुग में शुक्राचार्य ने, सतयुग में शुक्राचार्य ने, जब कला धर्म का घेटा है,
युग में शुक्राचार्य ने जब गदाधर पटाखे काहे तब। और मैं बोलूंगा बाद में और तुम बोलोगे पहले। सतयुग में शुक्राचार्य ने गला धर्म का घेटा है। सतयुग में शुक्राचार्य ने कई गला धर्म का घेटा है। तब ये कसी कते पामन ने बाबा तू करो भैया। मंचा सिंह जितने भी भाई बैठे हुए हैं ध्यान पूर्वक समय, क्या मैं बाबा ही को चक करना है? क्या मैं बाबा तो पढ़ रहे पर क्या मैं जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं उस पर विशेष ध्यान पूर्वक लिखना और पूरे गीत को सुन करके जब लिखना। तब एक सीख से बाबा ने बाबा तू करो और जा में हर अंतरा में बाजी और लग रही है बाजी बाजी और हर बाजी के अलग अलग अर्थ हैं। जे सतयुग में का बाजी बांसुरी खाज। अब दूसरी बात, अरे दान धर्म पे गुरु शिष्य में लड़ाई के लिए बात आई है। आपस में उबाजी अरे भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबाजी अरे भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबाजी। हाँ जी। अरे यार कितनी सीटी मर बाबे को। पहली बात अब दूसरी बात, त्रेता में कौन से बाबा जी की बात है? अरे सिया हरण कर बे तू रावण अरे सिया हरण कर बे तू रावण वो बाबा जी बने आयो है। अरे सिया हरण कर बे तू रावण वो बाबा जी बने आयो है। अरे रामचंद्र के समर में तो हार गयो बाजी या बाजी है शर्त के लिए। अब तीसरी बात वहां पर की बात, द्वापर में ओ टमड़िया की और बंधाव मिले गयो बाबा जी कौन रिसीव मारा सर सी पारा सर जी बेटी सत्यवती को कोहरा प्रकट करके नाम में ले गए बाबा जी। अरे भोग करो क्वारी कन्या के और एक पैदा है गयो बाबा जी। अरे भोग करो क्वारी कन्या के पैदा है गयो बाबा जी। हाँ जी। अब बाबा जी कुल से पैदा भए सत्यवती के संग में बहुत करो ऋषि पाराशर ने उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था व्यास जी महाराज। बोल व्यास जी महाराज की।
अरे कह रही बाजी बाजी, अरे भाजे भाजे बोले सतयुग में बाबा जी, अरे भाजे भाजे बोले सतयुग में बाबा जी। हाँ जी, अब कलयुग को बाबा जी, और सुनो उसके बाद में हो मीर शर्मा जी का नंबर। अरे आशा राम और राम रही बच्चे, कलयुग में है गए बाबा जी। अरे आशा राम से राम रही बच्चे, कलयुग में है गए बाबा जी। और बोलियो मेरे संग में, अरे अरे आशा राम से भाजे भाजे